हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी टू गुड। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इस डिज़ाइन के बारे में। ये जो हमारा डिज़ाइन है, ये हमने 25 फीट बाई 50 फीट में डिज़ाइन किया हुआ है। मीन्स की 25 फीट फ्रंट में हमने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो डिज़ाइन हमने बहुत ही अच्छा, और हमने इसको इकोनॉमिकली डिज़ाइन किया हुआ है, तो हम इसके डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे हमारा हमारे MS का गेट मिलेगा। यहाँ से हमारी घर की मेन एंट्री होगी। इसके अंदर ही हमें कार पार्किंग मिलने वाली है। और ये जो आपको ब्राउन कलर में ये जो आपको टेक्सचर दिख रहा है, ये हमारा पेंट फिनिश मीन्स की प्लास्टर के ऊपर पेंट किया हुआ है। ये जो आपका व्हाइट कलर का जो एलिमेंट है, ये भी हमने एक प्लास्टर के ऊपर पेंट किया हुआ है। ये जो आपको टू वे लाइट दिख रही है, ये हमारा टाइल्स वर्क है। मीन्स की हमने ये टाइल में फिनिश दिया हुआ है। ये हमारा स्टेयर केस का ये हमारा विंडो है, जो हमारा एक लंबा विंडो रहेगा। ये हमारी जो बॉक्सिंग हो रखी है, ये भी हमारी पेंट फिनिश में हमने दी हुई है। ये हमारी ग्लास की रेलिंग रहेगी। ये हमारा रहेगा टाइल्स वर्क। ये हमारा पेंट फिनिश में रहेगा। ये भी हमारा पेंट फिनिश रहने वाला है। ये जो आपको टेरेस पे दिख रही है, ये भी हमारी ग्लास की रेलिंग रहेगी। ये हमारा पेंट वर्क है। मैं इसके कॉलम गए हुए हैं, उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। ये जो पैराबोला, ये भी हमने RCC में कास्ट करने के बाद, ये भी हमने पेंट फिनिश में डिजाइन किया हुआ है। ये वाइट कलर में पूरा हमारा पेंट फिनिश में हमने डिजाइन किया हुआ है। तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है। अब चलते हैं हम इसके नक्शे की तरफ। ये हमारा प्लान रहेगा 25 फीट बाई 50 फीट, मीन्स की 1250 स्क्वायर फीट में हमने ये डिजाइन किया हुआ है। फ्रंट में इसके रोड है, बाकी तीनों अदर साइड अदर प्रॉपर्टी मीन्स की क्लोज रहेगा। वेस्ट फेसिंग का हमारा प्लॉट है, वास्तु के अकॉर्डिंग हमने इसको डिजाइन किया हुआ। अब चलते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर के नक्शे की तरफ। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का मैप रहेगा। यहाँ से हमारे 10 फिट वाइड हमारी मेन एंट्री रहेगी। यहाँ हमारा मेन गेट रहेगा। मेन एंट्री के साथ ही हमें कार पार्किंग मिलने वाली है। 20 फिट 9 इंच बाई 11 फिट 6 इंच की हमें कार पार्किंग मिलेगी, जिसमें कोई भी मीन्स की बड़ी कार मीन्स की फॉर्च्यूनर भी आसानी से पार्क हो जाएगी, और आप दो बाइक भी आसानी से पार्क कर सकते हैं। फ्रंट में राइट साइड में हमें ये स्टेयर केस मिलेगा, जो हमने वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ वेस्ट में हमने इसको डिजाइन किया हुआ है। यहाँ से अप टू FF लिखा हुआ, मीन्स की यहाँ से फर्स्ट फ्लोर के लिए जो तीर का निशान लगा हुआ है, ऐसे हम चढ़ के ऊपर पहुंचेंगे। 6 फिट 7 इंच बाई 10 फिट 7 इंच में हमने स्टेयर केस डिजाइन किया हुआ है। ये इस स्टेयर केस के फ्रंट में जो हमने विंडो दिया हुआ था, जो एलिवेशन में हमारा विंडो था, ये वाला जो विंडो दिख रहा है, ये हमारा विंडो ही फ्रंट में ये दिया हुआ है। अगर यदि मैं ड्राइव बे की बात करूं, जो कार पार्किंग, उसे हम ड्राइव बे बोलते हैं। ड्राइव बे से अगर यदि हम देखें, तो एक एंट्री हमारी ड्राइंग रूम में हो रही है। 11 फिट 8 इंच बाई 13 फिट का हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। इसमें हमारा ये सोफा रहेगा, हमारे 2 L-शेप में सेटिंग में सोफा रहेंगे। सामने TV यूनिट रहेगा। इसमें हमारा वेंटिलेशन के लिए हमने फ्रंट में ये विंडो दिया हुआ, जिससे कि इस ड्राइंग रूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। एक ड्राइंग रूम का हमारा ओपनिंग हमारी लॉबी में हो रही है, और हमारे ड्राइव बे से मीन्स की कार पार्किंग से हमारी एक एंट्री हमारी लॉबी में होने वाली है। ये जो हमारी लॉबी है, इसे हम एज अ डाइनिंग यूज करने वाले हैं। 11 फिट 5 इंच बाई 16 फिट 2 इंच की हमारी बड़ी लॉबी रहेगी। इसमें सेंटर में हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा, और ये हमारा TV यूनिट रहने वाला है। इसके अगर यदि मैं लेफ्ट साइड में देखूंगा, तो हमें फ्रंट में हमारे कॉमन टॉयलेट मिलेगा। 4 फिट 8 इंच बाई 5.5 फिट का हमारा ये कॉमन टॉयलेट होगा, जिसे हमारा घर का कोई भी मेम्बर या गेस्ट यूज कर सकता है। इसमें हमने बेदिंग एरिया और टॉयलेट सीट दोनों को ही डिजाइन किया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए हमने ये विंडो दिया हुआ है डक्ट में, जो हमारा 5 फिट 6 इंच बाई 2 फिट का हमारा डक्ट है, जिसमें हमने ये विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस कॉमन टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से अगर यदि हम पीछे की तरफ चलते हैं, तो हमें लेफ्ट साइड में बेडरूम मिलेगा। 11 फिट बाई 13 फिट 2 इंच का ये हमारा बेडरूम रहेगा। इसमें हमारी ये एंट्री रहेगी। एक पीछे यूटिलिटी में जाने के लिए हमने डोर कम विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस टॉयलेट इस बेडरूम का हमारा यहाँ से वेंटिलेशन भी होगा, और पीछे भी जा सकते हैं। ये हमारा इसमें बेडरूम बेड रहेगा। ये हमारा कवर्ड में इसकी अलमारी रहने वाली है। सामने TV यूनिट रहेगा। इस बेडरूम से अटैच हमने ये विंडो दिया हुआ है, सॉरी ये टॉयलेट दिया हुआ है। इस टॉयलेट में हमने टॉयलेट सीट, बेदिंग एरिया और वॉश बेसिन तीनों को ही डिजाइन किया हुआ है। 5.5 फिट बाई 7 फिट का हमारा ये टॉयलेट रहेगा। इसमें वेंटिलेशन के लिए हमने डक्ट में ये विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस टॉयलेट का वेंटिलेशन होता रहेगा। इसके बराबर में राइट साइड में हमें साउथ ईस्ट में वास्तु के अकॉर्डिंग किचन मिलेगी। ये जो हमारी किचन है, 11 फिट बाई 10 फिट की बड़ी किचन मिलेगी। यहाँ से इसकी ये ओपन किचन रहेगी, एंट्री रहेगी। ये हमारा गैस स्टोव रहेगा, जहाँ हम खड़े होकर खाना बनाएंगे। ये हमारी सिंक रहेगी,
जहां पे हम बर्तन वगैरह धुल पाएंगे। ये हमारा पीछे जाने के लिए डोर का विंडो दिया हुआ है, जिससे हमारा पीछे जाने के लिए डोर रहेगा और इस विंडो से इस किचन का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारा यूटिलिटी रहेगा, जिसे हम अपने वॉशिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारी 5 फिट बाई 16 फिट 2 इंच की ओपन स्पेस रहेगा, जिसे हम वॉशिंग के लिए यूज करेंगे। पीछे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वास्तु के अकॉर्डिंग हमने एक मंदिर का डिजाइन किया हुआ है। ये हमारा 5 फिट बाई 7 फिट का मंदिर रहेगा। यहाँ हमारा मंदिर का मूर्ति रहेगी, ये हमारा मंदिर रहेगा, जिसमें हम अब आराम से घर के मेंबर बैठ के पूजा कर सकते हैं। चलते हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान रहेगा। यहाँ पे हम लैंड करेंगे और यहाँ से अप टू SF लिखा हुआ सेकंड फ्लोर या टेरेस फ्लोर के लिए यहाँ से हम ऊपर पहुंचेंगे। यहाँ पे हमें निकलते ही एक ओपन टेरेस मिलेगा, मीन्स की एक सिटिंग मिलेगी, ओपन सिटिंग, जिसे हम ओपन टेरेस बोलते हैं, जो 7 फिट 4 इंच बाई 11 फिट 6 इंच की हमें एक अच्छी सिटिंग मिलेगी, जहाँ पे हम आराम से बैठ के एक अपनी ओपन हवा, मीन्स की फ्रेश एयर ले सकते हैं। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। फ्रंट में हमने एक बेडरूम दिया हुआ है, 11 फिट 6 इंच बाई 13 फिट का ये हमारा बेडरूम रहेगा। इसमें फ्रंट में हमने ये डोर का विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। ये हमारा बेड रहेगा। सामने टीवी यूनिट रहेगा, ये इसमें कवर्ड मीन्स की अलमारी रहने वाली है। इसके बराबर में हमारा एक और बेडरूम रहेगा, जो 13 फिट बाई 11 फिट 8 इंच का हमारा बेडरूम होगा। ये हमारा बेड रहेगा, ये हमारा कवर्ड रहेगा। सामने टीवी यूनिट रहने वाला है और ये इसमें हमारा फ्रंट में वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से एंट्री के साथ ही हमें लॉबी मिलेगी, जिसे हम एज अ डाइनिंग यूज करने वाले हैं। ये हमारी 11 फिट 5 इंच बाई 16 फिट की हमारी ये लॉबी होगी, जिसमें हमारे सेंटर में हमारा डाइनिंग टेबल रहेगा। ये हमारी टीवी यूनिट रहने वाली है। इसके बराबर में अगर यदि हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो कॉमन टॉयलेट मिलेगा, जैसे हमारे नीचे बना हुआ था। 4 फिट 8 इंच बाई 5 फिट 6 इंच का हमारा एक कॉमन टॉयलेट होगा, जिसमें हमने वेटिंग एरिया और टॉयलेट सीट दोनों को ही डिजाइन किया हुआ है। इसके वेंटिलेशन के लिए डक्ट में हमने ये अपना ये विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस टॉयलेट का वेंटिलेशन होता रहेगा। यहाँ से पीछे की तरफ चलेंगे तो हमें राइट साइड में हमारा किचन मिलेगा, जो वास्तु के अकॉर्डिंग हमने डिजाइन किया हुआ है। 11 फिट बाई 10 फिट का हमारा एक किचन होगा। ये हमारा इसमें गैस स्टोव रहेगा, ये हमारा सिंक रहेगा। इसमें हमारी पीछे एक 3 फिट वाइड बालकनी होगी, जिसमें जाने के लिए हमने डोर का विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इसके थ्रू हम पीछे भी जाएंगे और यहाँ से इस किचन का वेंटिलेशन होता रहेगा। इसके अगर यदि हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमें हमारा बेडरूम मिलेगा, जो 11 फिट बाई 13 फिट 2 इंच का हमारा ये बेडरूम होगा। ये बेड रहेगा, ये कवर्ड रहने वाला है, ये हमारा इसमें टीवी यूनिट रहने वाला है। पीछे जाने के लिए हमारा इसमें डोर कम विंडो होगा, इसमें पीछे बालकनी में जाने के लिए रास्ता होगा और इस डोर कम विंडो में इसकी विंडो के थ्रू यहाँ से इसका वेंटिलेशन होता रहेगा। इस बेडरूम से अटैच हमारा टॉयलेट रहेगा, जैसे नीचे था। 5.5 फिट बाई 7 फिट का हमारा टॉयलेट रहेगा, जिसमें हमने वॉश बेसिन, बेडिंग एरिया, टॉयलेट सीट तीनों को ही डिजाइन किया हुआ है। इस टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए हमने ये विंडो दिया हुआ है, जिससे कि इस टॉयलेट का अच्छे से वेंटिलेशन होता रहेगा। अगर यदि हम पीछे चलते हैं तो ये हमें 3 फिट वाइड बालकनी मिलेगी, बाकी हमारा ओपन स्पेस रहेगा। इस बालकनी से ही हम इस मंदिर में जाएंगे, जो हमारा 7 फिट बाई 5 फिट का मंदिर रहेगा, जिसमें हम आराम से घर का मेंबर को भी पूजा कर सकता है। ये हमारा वास्तु के अकॉर्डिंग 2 फ्लोर का प्लान था, जिसमें हमने ग्राउंड फ्लोर पर 2 बेडरूम, जिसमें एक बेडरूम, एक ड्रॉइंग रूम, एक बड़ा किचन, मंदिर, 2 टॉयलेट, लॉबी, कार पार्किंग, स्टेयर केस के साथ डिजाइन किया हुआ है। फर्स्ट फ्लोर पर हमें 3 बेडरूम, किचन, 2 टॉयलेट, मंदिर, लॉबी, बड़ी लॉबी, ये हमें मिलने वाला है। इसके दोनों फ्लोर पे हमने 5 बेडरूम, 2 किचन, 4 टॉयलेट, 2 लॉबी, कार पार्किंग, ओपन टेरेस मीन्स की ओपन सिटिंग के साथ हमने डिजाइन किया हुआ है। ये हमारा इसका बहुत ही प्यारा फ्रंट एलिवेशन है, जो हमने बहुत ही इकोनॉमिकल पेंट फिनिश के साथ डिजाइन किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखें।